नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है। लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होगा, ये अमित शाह ने कहा है। किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, सीएए अधिसूचना चुनाव से पहले लागू होगी। तो इस वक्त ये बड़ी खबर सीएए को लेकर, जहां पे गृह मंत्री अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए लागू होगा और किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, इस बात का जिक्र भी किया। तो सीएए अधिसूचना चुनाव से पहले लागू होगी। तो नागरिक संशोधन कानून को लेकर यह बड़ा बयान गृह मंत्री अमित शाह ने दिया है। चुनाव से पहले लागू करने की बात, नागरिकता संशोधन कानून पर गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान। और पीयूष तिवारी दिल्ली से हमारे संवाददाता इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। पीयूष, सीए को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा। पीयूष, आप सुन पा रहे हैं मुझे? पीयूष तक अभी मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही, कोशिश करेंगे संपर्क और वो विस्तार से बता पाए इस बयान को लेकर और उन्होंने क्या कुछ कहा और इसके क्या मायने निकाले जाएंगे, क्योंकि एक बड़ा बयान है। तो सीएए पर गृह मंत्री अमित शाह का यह बड़ा बयान, लोकसभा चुनाव से पहले लागू होगा नागरिकता संशोधन कानून और किसी की भी नागरिकता छीनी नहीं जाएगी, इस बात का जिक्र भी किया गृह मंत्री अमित शाह ने। अधिसूचना चुनाव से पहले लागू होगी। तो ये एक बड़ी खबर है, क्योंकि इसको लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुए थे, आंदोलन भी हुए। और पीयूष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, गृह मंत्री ने बड़ा बयान दिया ये सीएए को लेकर लोकसभा चुनाव से पहले लागू करने की बात। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो गृह मंत्री अमित शाह एक निजी चैनल को इंटरव्यू दे रहे थे। इस दौरान गृह मंत्री अमित शाह की ओर से सीधे तौर पर कहा गया कि लोकसभा चुनाव से पहले कर दिया जाएगा। और इस तरीके से गृहमंत्री ने बड़ा संकेत दे दिया है। सबसे बड़ी बात है कि इस दौरान गृहमंत्री ने कहा कि मैं साफ कर देना चाहता हूँ कि सीए किसी भी व्यक्ति की नागरिकता नहीं छीनेगा। उन्होंने ये भी कहा कि इसका उद्देश्य मात्र ये है कि धार्मिक उत्पीड़न का सामना कर रहे, चाहे पाकिस्तान के नागरिक हो, अफगानिस्तान के नागरिक हो या बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हो, उनको नागरिकता देना है। क्योंकि सीए जब लागू होगा तो पूरी तरीके से उसके क्लॉज बनाए गए हैं कि इसमें जाकुट क्लॉज रहेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि गृहमंत्री अमित शाह ने एक तरीके से इस बात का ऐलान कर दिया है कि उन्होंने कयास कर रहे थे कि शायद ये लागू किया जा सकता है, क्योंकि पहले भी एक केंद्रीय मंत्री ने इस ओर इशारा दिया था। हालांकि गृहमंत्री अमित शाह पर सबकी नजर टिकी हुई थी कि गृहमंत्री अमित शाह कब सीए को लेकर बयान देते हैं, और गृहमंत्री अमित शाह ने एक बड़ा बयान दिया है। और गृहमंत्री ने यह भी कहा है कि लोकसभा चुनाव 2024 से पहले इसे अधिसूचित कर दिया जाएगा। तो निश्चित रूप से सीए आने के बाद लोगों को काफी सहूलियत दी होगी। सबसे बड़ी बात है कि आपने एक दौर में देखा होगा कि सीए को लेकर काफी विरोध प्रदर्शन भी हुआ था। आखिरकार सरकार ने इस दिशा में काम किया और कहीं ना कहीं 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नागरिक संशोधन अधिनियम को लागू करने का जो फैसला है वो सरकार की ओर से लिया गया है। तो निश्चित रूप से अब सरकार इस दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसको लेकर सरकार ने, खासतौर पर बीजेपी ने अपने चुनावी रैलियों के दौरान लोगों से वादा किया था, और उसी वादे के तहत कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी काम करती हुई नजर आ रही है। और गृहमंत्री अमित शाह ने यह बड़ा बयान दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले सीएए का नोटिफिकेशन जो है वो जारी हो जाएगा, हालांकि किसी को भी नागरिकता इस दौरान नहीं छीनी जाएगी। ठीक है पीयूष, आप मेरे साथ बने रहिए, कुछ और खबरों पे आपसे जानकारी लेंगे। फिलहाल शुक्रिया।